तो आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तुम लोगों ने सुना ही होगा कि ओडा सेंसेई ने हाल ही में एक बुक लिखा है जिसका नाम है रोड टू लाफ टेल, जिसमें उन्होंने उन मांगा सीन्स के बारे में बात किया है जो कि वो ओरिजिनली वन पीस में डालने वाले थे, पर असली चीज ये नहीं है। एक्चुअली इसमें उन्होंने रॉजर की जर्नी और रॉक्स डी ज़ेबेक और रोड पॉनिक्लिफ के बारे में बात किया है और ये तीन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और पॉनिक्लिफ वाले इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग एक ऑसम सी थ्योरी भी बनाएंगे, तो वीडियो शुरू करें। ठीक है, हम लोग इसके बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्या सोचकर मैंने ये इंट्रो बनाया। बट एनीवे, इस बुक के पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, रॉजर्स लाइफ एंड द पॉनिक्लिफ्स। तो बेसिकली हमें वही सारी चीजें बताई गई हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है, बस फर्क इतना है कि सारे चीजों को इस बार एक जगह समेट कर रख दिया गया है। किस तरीके से रॉजर रेली को अपने क्रू में इन्वाइट करता है, गॉड वैली में कैसे वो फाइट किया था और उसका रिलेशन क्या था रूक के साथ, और यहाँ पे उसके स्वॉर्ड इसके बारे में भी बात किया गया, और उसका एंड कैसे होता है और वो एग्जीक्यूशन में क्या बोलता है। ये बेसिकली रिफ्रेशर की तरह है उन लोगों के लिए जो कि वन पीस बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस बुक के सबसे मजेदार पार्ट की तरफ, जहां पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑसम थ्योरी भी है। पहले तो वही रिवाइज कराया गया है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि लाफ टेल जाने के लिए हमें 4 रोड पॉनिक्लिफ चाहिए। आगे दो टाइमलाइन के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि रॉजर के टाइम पे वो 4 रोड पॉनिक्लिफ कहाँ थे और अभी कहाँ हैं। तो चलो देखते हैं। पहला रोड पॉनिक्लिफ बिग मॉम के पास था और अभी भी उसके ही पास है। दूसरा रोड पॉनिक्लिफ ज़ोऊ में था और हाँ वो अभी भी वही है। तीसरा रोड पॉनिक्लिफ वानो में था और मोस्ट प्रोबेबली अभी भी वही होगा। और लास्ट रोड पॉनिक्लिफ फिशमैन आइलैंड में था, पर वो वहाँ अभी नहीं है। और उस वक्त फिशमैन आइलैंड व्हाइट बियर्ड के अंडर में था और वहां से ये रोड पॉनिक्लिफ मिसिंग है। अब पॉनिक्लिफ तो कोई हलवा है नहीं कि उसको कोई भी एरा गैरा उठाकर ले जाएगा। ये काम किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन का है जिसको ये नॉलेज था कि पॉनिक्लिफ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरे पास ना एक लिस्ट है जिसमें मैंने ये लिखा है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि ये काम बखूबी कर सकते हैं। बिग मॉम नहीं, उस पे ऑलरेडी एक था। काइडो नहीं, उसके पास वानो वाला था। बगी हो ही नहीं सकता। व्हाइट बियर्ड, अरे उसके यहाँ से ही तो चोरी हुआ था। सैंक्स, हाँ ये हो सकता है। ब्लैक बियर्ड, ये भी हो सकता है। तो मेरे लिस्ट के हिसाब से बस दो ही ऐसे लोग हैं जो कि उस रोड पॉनिक्लिफ के पीछे जाएंगे, जो कि है सैंक्स और ब्लैक बियर्ड। और क्या हो अगर दोनों के बीच फाइट हुई हो इस रोड पॉनिक्लिफ को लेकर, और यह चीज सेंस बनाएगी क्योंकि तुम्हें याद हो तो सैंक्स जब व्हाइट बियर्ड से मिलने गया था तब वो ये रिवील करता है कि उसके आंख में जो स्कार है वो एक्चुअली ब्लैक बियर्ड ने ही दिया था। पर ये हुआ कब? इसको समझने के लिए हमें वापस ओडिन के फ्लैशबैक में जाना होगा, जहां जब रॉजर वर्सेस व्हाइट बियर्ड हो रहा था उस वक्त हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि सैंक्स के आंखों में स्कार नहीं है, मतलब यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर रॉजर पायरेट्स के डिसमिस होने के बाद सैंक्स जब रॉजर के एग्जीक्यूशन को विटनेस करता है उस वक्त भी हम लोग देख सकते हैं जहां ओडा ने उसके आंखों को हाइड किया है, मतलब यहां पर भी रिवील नहीं हुआ है कि उसके आंख में स्कार है भी या नहीं। फिर चैप्टर 0 में जब सैंक्स यासोप को अपने क्रू में इनवाइट करता है उस वक्त भी हम लोग ये देख सकते हैं कि उसके लेफ्ट आई को हाइड किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ओडा हमसे कुछ छिपा रहे थे क्योंकि इसके बाद उसके आंखों को सीधा डायरेक्टली चैप्टर 1 पे ही रिवील किया जाता है जब वो लूफी से पहली बार मिलता है। मतलब रॉजर पायरेट्स डिसमिस होने के बाद और लूफी से मिलने से पहले इस बीच सैंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड हुआ था, या डायरेक्टली कहूँ तो रेड हेयर पायरेट्स वर्सेस व्हाइट बियर्ड पायरेट्स। अब देखो इनके बीच फाइट होने का कोई रीजन नहीं दिखता क्योंकि व्हाइट बियर्ड को पायरेट किंग बनने का कोई शौक नहीं था, उसको तो बस फैमिली चाहिए था। तो हो सकता है कि व्हाइट बियर्ड सैंक्स को रोड पॉनिक्लिफ ले जाने दिया हो। अब क्योंकि हमें पता है कि ब्लैक बियर्ड कितना हरामी, मेरा मतलब बुरा आदमी है, उसको ये मालूम है कि रोड पॉनिक्लिफ कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो सैंक्स से फाइट किया होगा और इस तरीके से सैंक्स के आंखों में वो स्कार आया।
अब मैं यहाँ ये गेस नहीं करने वाला कि इन दोनों में से जीता कौन, क्यों ना ये तुम लोग बताओ मुझे कमेंट्स में, क्योंकि आगे लिटरली एक ऐसा चीज बताया गया है जो कि बहुत ही मजेदार है। फाइनल रोड पॉनिक्लिफ कहाँ हो सकता है इसका हिंट दिया गया है, जिसमें तीन आइलैंड्स आते हैं। हाचिनोसु जो कि ब्लैक बियर्ड का आइलैंड है, मतलब वो उसका करंट बेस है, और अगर वो रोड पॉनिक्लिफ यहाँ मिलता है तो इसका मतलब ब्लैक बियर्ड हो सकता है जीत गया हो, या फिर उसने समहाउ वो रोड पॉनिक्लिफ वहां से उठा लिया था। और दूसरा आइलैंड आता है एल्बाफ, जिसको सब लोग कह रहे हैं कि वो सैंक्स से रिलेटेड आर्क होने वाला है, जहां पर सैंक्स काफी ज्यादा हाईलाइट होगा। और अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो इसका मतलब वो जीत गया था, या फिर उसके पास वो रोड पॉनिक्लिफ सेफ है और बस वो लोग लूफी का वेट कर रहे हैं। और तीसरा आइलैंड है वीरा, ये वही आइलैंड है जहाँ पे नोलन गया था। इसके बारे में एक बार नामी भी बात कर रही थी पोस्ट स्काइपिया आर्क में, और बाय चांस अगर रोड पॉनिक्लिफ यहाँ निकलता है तो मेरी इस थ्योरी की वाट लग जाएगी। हालांकि इस बार मैं इस थ्योरी पर यकीन करता हूँ, मतलब कुछ चीजें तो इसमें सच होंगी, नहीं होंगी तो रोना आएगा और क्या। खैर आगे हमें और भी आइलैंड्स बताए गए हैं जहां इस बुक के हिसाब से वो मिसिंग रोड पॉनिक्लिफ वहां हो सकता है, पर क्योंकि ओडा सेंसेई इन तीन आइलैंड्स पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब भाई पूरा का पूरा फोटो और इतना बड़ा हाईलाइट ही कर दिया है इन तीन आइलैंड्स को लेकर, तो क्लियरली वो यही चाहते हैं कि हम इन तीन चीजों पर ही फोकस करें। पर चलो मैं तुम्हें उन आइलैंड्स के बारे में भी बताता हूँ। रिस्की रेड, राइजन, मिस्टोरिया, बैलोन टर्मिनल, बारी जो कि एक्चुअली बगी का हेडक्वार्टर है, और इस बुक के हिसाब से मिसिंग पॉनिक्लिफ यहाँ पर भी हो सकता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा इसके ऊपर। एप्पल 9 जो कि शायद से वेगापंक का हेडक्वार्टर है, और युकीरियू आइलैंड जो कि शायद से सैंग्स का ही हेडक्वार्टर हो। खैर अब तो वक्त ही बताए, तो अभी क्या हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया पर रिकॉर्डिंग एक्चुअली ऑन ही नहीं था और मैं एक मिनट तक बकता रह गया। बट एनीवे आगे इस बुक में ज़ेबेक के बारे में बताया गया है, जहां पे वही सारी चीजें हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है, बस एक को छोड़कर। ज़ेबेक अपना सबसे बड़ा दुश्मन रॉजर को मानता था, ना कि गार्प या फिर सेनगोकू। और भी चीजें हैं, लाइक ब्लैक बियर्ड का जो मेन शिप है उसका नाम सेबर ऑफ ज़ेबेक है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ब्लैक बियर्ड ज़ेबेक से किसी ना किसी तरह रिलेटेड है। और फिर काइडो के हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरीके से रॉक्स में जुड़ा था, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। एंड में एक पैनल आता है जहां पर सीकी व्हाइट बियर्ड से कहता है ही विल स्टे लो, जिसके बाद इवेंचुअली वो मरीन फोर्ड से भाग जाता है सेनगोकू और गार्प से कैसे ना कैसे वो फाइट करता है और किसी तरह वो वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर आगे जाकर उसका पंगा रॉजर से होता है। और इसी तरह इस बुक का पहला वॉल्यूम खत्म हो जाता है और ये वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऑब्वियसली हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो। और हाँ, थोड़ा अपना कोई ऑसम थ्योरी शेयर करो यार कमेंट्स में। तुम लोग यार कमेंट ही नहीं करते हो, कुछ ऐसा थ्योरी दो कि जिसको पढ़कर मेरा दिमाग हिल जाए, फट के हाथ में आ जाए भाई साहब कि हाँ ये हो सकता है। सो सी या, बाय, टाटा।